अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। टुडे वी विल स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड है वो भी जैसे हम पढ़ चुके हैं कि वो भी इलेक्ट्रॉन की जो है वो उसमें भी इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होता है, उसमें भी शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्ट ले रहा होता है। इसलिए ज़्यादातर जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ हैं वो कोवेलेंट कंपाउंड्स जैसी ही होती हैं। देयर प्रॉपर्टीज आर मोस्टली सिमिलर टू दोज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स as the nuclei in these compounds are held by shared pair of electron, therefore they do not form ions in water. ये जो जब वाटर के अंदर डिजोल्व होते हैं तो ये अपने आइंस नहीं बनाते, इनकी नेचर जो है वो कोवेलेंट होती है, इसलिए ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के साथ सोल्यूशन बनाते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स मतलब ये जो पेट्रोल, ईथर, अल्कोहल, ये उनके साथ जो है वो सोल्यूशन बनाते हैं। ये वाटर में लेस सॉल्यूबल होते हैं, वाटर में ये डिजोल्व नहीं होते। उसके बाद यूजली जो है दे आर रिजिड कंपाउंड विद अ डाइपोल, इसमें इनमें डाइपोल बनता है। और ज़्यादातर जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो रिजिड होते हैं, मतलब सॉलिड होते हैं, वो हार्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आपने इनको लर्न करना। उसके बाद नेक्स्ट है मेटल की प्रॉपर्टीज़। मेटल की सबसे जो कॉमन प्रॉपर्टी है वो ये है कि इसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास कर सकती है। ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में इसको हम यूज़ करते हैं। उसकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे हैं। अब ये जो मेटल्स होती हैं वो मेटालिक लस्टर शो करती हैं, मतलब मेटल्स की एक चमक होती है। जैसे आयरन है, स्टील है, ये सारी मेटल्स होती हैं, तो इनकी एक ख़ास जो है वो चमक होती है। दे शो मेटालिक लस्टर, लस्टर मतलब चमक, ये शाइन शो करती हैं। सेकेंड इसकी प्रॉपर्टी है दैट दे आर यूजली मैलिएबल एंड डक्टाइल। मैलिएबल का क्या मतलब है कि आप जो है वो इसको शीट की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई भी मेटल है आप उसको जो है वो बाय फोर्स आप क्या करते हैं उसको शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब लंबी लंबी आप उसकी शीट्स बना सकते हैं, जितनी आप लेंथ या विड्थ जितनी आप रखना चाहें। मैलेबिलिटी का ये मतलब है कि आप उसको शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और डक्टिलिटी का मतलब ये है कि आप इसको वायर्स की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। वाइल डक्टिलिटी इज़ द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच अ मेटल कैन बी ड्रॉन इन टू वायर्स, मैलेबिलिटी क्या है, मैलेबिलिटी में आप उसको शीट की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। और डक्टिलिटी में क्या कर सकते हैं आप उसको वायर की फॉर्म में एग्जिस्ट वो आप उसको वायर की फॉर्म में लेके आ सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। मेटल्स में ये जो है ये प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है। उसके बाद उन्होंने कहा कि दे हैव यूजली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं क्योंकि ये सॉलिड होती हैं, ये रिजिड होती हैं, ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती हैं, इसलिए इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हैं वो हाई होते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा है इनका साइज़ ज़्यादा होता है इसलिए इनकी आयनाइजेशन एनर्जी लो होती है और ये अपना इलेक्ट्रॉन ईजीली लूज कर सकती हैं और इन पर फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ये केटाइंस बनाती हैं। लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट ड्यू टू मोबाइल इलेक्ट्रॉन, इनके अंदर जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है जब मूव करते हैं तो साथ ही वो अपने साथ जो है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को भी ले जाते हैं। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि जो मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर होती हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। आप जैसे कि जो आप ये जो चम्मच यूज़ कर रहे होते हैं खाना बनाने में, तो वो अगर मेटल का उसका जो अगर वो मेटल का बना हुआ होता है तो वो जल्दी गर्म हो जाता है, तो उस वहाँ उसका जो हैंडल है उसको वुड का इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि वुड में से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी वो हीट जो है वो इजीली पास नहीं होती, तो वो फिर आप इजीली उसको पकड़ सकते हैं। अगर वो मेटल का ही होगा तो हीट उसमें से पास होगी और वो बहुत जल्द गर्म हो जाएगा, बहुत तेज़ी से जो है वो हीट पास होती है क्योंकि हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं, तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो उनके साथ ही हीट और इलेक्ट्रिसिटी भी मूव करती है। अब जैसे ये इलेक्ट्रिकल जितने भी आप अप्लाइंसिस देखते हैं तो इसके अंदर कॉपर वायर होती है, तो कॉपर भी एक मेटल है और इसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो अच्छी तरह से मूव कर सकती है, इसलिए जो है वो कॉपर की वायरिंग की जाती है। अब आपने ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ और ये मेटल की प्रॉपर्टीज़ ये आपने अच्छे तरीके से इनको लर्न करना है। ये जो मेटल की प्रॉपर्टीज़ हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन में वो पूछते हैं कि मेटल की प्रॉपर्टीज़ लिखें, तो फिर आप ये जो है वो पूरी 5 प्रॉपर्टीज़ आप इसकी लिखेंगे। तो ये आपने ये प्रॉपर्टीज़ अच्छे तरीके से लर्न करनी है।